शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, हम उमाकांत पांडे, हम पप्पी भाई के साथ काम करते हैं पेंटीब्रा की फैक्ट्री में। हमारे घर में हम तीन लोग हैं, हम, बाबूजी और रमा। पता नहीं क्यों पर बाबूजी और रमा की कभी बनती नहीं। रमा की बड़बड़ नहीं रुकती और बाबूजी की धड़धड़ नहीं रुकती। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, आज बनेंगे किसी के सैया। मेरा कच्चा नहीं मिल रहा है, मेरा कच्चा भैया, ये बाबूजी बिना अरे हम थोड़ी पहनेंगे का कच्चा। और वैसे भी डायनासोर का कच्चा इंसान तो पहन नहीं सकता। आज अगर आपके रोके की खुशी ना होती ना तो हम सचमुच नहीं कुछ सुना बना देते। हाँ। अम्मा तो चली गई ऊपर, पर याफत हम दोनों के साथ छोड़ गई। अरे अरे हम बता रहे हैं, पिछले जन्म में ना हमने सचमुच कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा, इस जन्म में ये हमारे बाबूजी बने हैं। सब लोग तैयार होके आ रहे हैं पर हम इनका कच्चा ढूंढ रहे हैं। अरे कहाँ रह गया? आ रही है। अरे और ये हैं हमारे पड़ोसी, इनका नाम, सब इन्हें साइलेंट जनरेटर कहते हैं। लगता है यहाँ भी ये अपनी खामोशी बिखेरने आए हैं। एक प्लेट और देना और इनसे मिलिए, ये हैं हमारे मामा जी, परिवार नियोजन में काम करते हैं और इनका सिर्फ एक ही नारा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। मामा जी की तरह उनके बच्चे भी बहुत शरीफ हैं। अब इनके बारे में हम आपको क्या बताएं? नमस्ते भैया। इनका नाम है आर्यभट्ट, रमा के दोस्त हैं। सुखे है? पर हमारे जीवन के सबसे बड़े शनि हैं। और ये हैं हमारे जीजा जी, श्री कमलेश मिश्रा। अरे बच्चों, जैसे सबके होते हैं बनाओ, ऐसे हमारे हैं। अब खुद ही देख लीजिए, ये कूड़ा यहाँ क्यों फेंका है? चलो इसे उठाओ और कूड़ेदान में डालो। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये देखो
स्वच्छ भारत स्वच्छ इलाहाबाद, अपना घर इसके बाद। चलो घर जाओ। अरे भाऊजी भाऊजी, कोई बात नहीं, कोई बात। भाई उमाकांत की शादी के बाद तो तुम्हारा ही नंबर है। क्या बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमारा तो पूरा ध्यान पढ़ाई में ही है। ये लड़की लोग से हमें क्या लेना देना। एजुकेशन बहुत जरूरी है जीवन में, हमारा तो सारा कंसंट्रेशन उसी पे है। बहुत अच्छे, एजुकेशन फर्स्ट है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाबूजी हम एक मिनट में आते हैं। हाँ हाँ जाओ। अरे जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वहां चलिए ना। ये लड़की वाले हैं, शक्लें देखे इन लड़की वालों की, सबके सब अनपढ़ घरवार, कोई है मुझ जैसा एजुकेटेड यहाँ पर। जहाँ मैंने रिश्ता पक्का किया था ना, वहाँ फुल फैमिली एजुकेटेड। मामा डॉक्टर, चाचा इंजीनियर और ताऊ ऑफिसर। तो क्या हुआ, लड़की के गांठ बंद थी तो दूसरी तो टकाटक चल रही थी ना, पर इस कमलेश मिश्रा की सुनता कौन है। अच्छा सॉरी जीजा जी, चलिए ना। ठीक है। नमस्ते मामा जी। भाई एक मिनट भैया, वो लड़का नीचे ही खड़ा हुआ है। वो लड़का नीचे ही खड़ा हुआ है, दीदी की फोटो भी इसके हाथ में है। चलो जल्दी चलो, मामा जी से बात कर लो, नीचे चलते हैं। मामा जी हम एक मिनट में आते हैं। कब से खड़ा है वो भैया, बहुत देर से खड़ा है वो। और निकालते हो तेरी आशिकी, बड़ा आशिक बना फिरता है। देख रहा है तू कितनी देर से बैठा है जीजा, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा है। जीजा जी पानी, अब जीजा पानी पिएगा। अरे भाई जीजा जी के लिए कोल्ड ड्रिंक लाओ यार, जब भाग के जाओ कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। अभी लाते। तो अब जीजा कोल्ड ड्रिंक पिएगा। अरे भाई खाना भी लेके आओ। अच्छा अरे ये बात गलत, मंगा रहा हूँ जीजा जी, मंगा रहा हूँ। आज हमारी सगाई है और 30 दिन बाद शादी। अब यहाँ जीजा को कोई चैन से खाने भी नहीं देगा। जीजू जीजू एक और लड्डू खा लो। नहीं 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 ना, हमें सबने खिया ही है, अब हम नहीं खा सकते हैं।
दो जीजू को तंग मत करो। जीजू आपका नाम क्या है? होगा कुछ उमा का। उमा जीजू ये आपका कैसा नाम है? आपके नाम से तो पता ही नहीं चलता आप मेल है या फीमेल या फिर ईमेल। जीजू आपके कंधे पे कुछ गिरा हुआ है। देखो हमें कोई लड़की टच करे हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे कोई जाकर दीदी को तो बताओ कि जीजू किसी काम के नहीं हैं। उन्हें कोई लड़की टच करे इन्हें अच्छा नहीं लगता वो अपने लिए कोई दूसरा ढूंढे। मैं भी दीदी को बता के आती हूँ। अच्छा जीजू आप ये तो बताओ आप हनीमून पे कहाँ जाओगे? नहीं नहीं शिमला नहीं नहीं कैलिफोर्निया। हरिद्वार हरिद्वार। लो हो गया हर हर गंगे और हो गया हनीमून। जी जाजी आप में तो है ही नहीं। मेरी दीदी बेचारी सारी रात देखकर गुजारेंगी। जी जाजी हैं? अरे मामा जी बड़े डर रहे हैं। पकड़ो इन्हें पकड़ो। अरे जीजा जी कहाँ जा रहे? जीजा जी बिठाओ तो सही यहाँ पे। जीजा जी जीजा जी अरे इन चुड़ैलों से बचाओ इन डायनों से बचाओ। जीजा जी आप अपनी शादी के बाद भी सारे कामों के लिए मामा जी और जीजा जी को ही बुलाओगे क्या? आपके नाम से तो पता ही नहीं चलता आप मेल हैं या फीमेल। कि जीजू किसी काम के नहीं हैं। जीजू किसी काम के नहीं हैं। मेरी दीदी बेचारी सारी रात आप में देख कर गुजारेंगी। अरे उमा आए बाबूजी। अरे मैं तो वो लड़की हूँ जो एक दिए की लौ पे पूरी दिवाली मना ली थी। पर मुझे क्या पता था कि मेरे दिए में तो नहीं है। उधर दीदी का बार बार फोन आ रहा है। गोवा की टिकट बुक करा लूं गोवा की टिकट बुक करा लूं। लेकिन उन्हें कैसे बताऊं कि मैं तो हरिद्वार जाने के सिवाय और कहीं जाने लायक बची ही नहीं हूं। सुनो सुनाओ। नहीं सुनाओ। वैसे भी सुनने और कहने के सिवाय करने को कुछ बचा ही कहां है। पर मैं तुम्हें प्यार दूंगा। क्या कहा? फिर से कहना। मैं तुम्हें प्यार दूंगा। तुम मुझे प्यार दोगे? तुम मुझे प्यार दोगे? पर कैसे? अरे मेरे बाबूजी को क्या पता था कि वो मुझे ऐसा मोबाइल फोन लेके दे रहे हैं जिसमें सिम कार्ड ही नहीं है। पर अब बहुत हुआ। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के और अब मैं इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। देख लेना तू मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं रुको 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 रुको। Wah 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 wah।
जैसे आदमी पे दूध भी क्या खराब करना। नहीं नहीं हमें छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। हमें छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। हमें छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह नहीं सकता। क्या हुआ भैया, भयानक सपना देख लिया? ये लो पानी पियो। क्या देखा? बाऊजी शुगर की वजह से मर गए, हमें छोड़ के जा रहे हैं। रुक जाओ, मत जाओ, हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे। थक पगले, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये देख सामने ही तो खड़े 10-20 साल, ये कहीं नहीं जाने वाले। वैसे बाबूजी आपने रात को शुगर की गोली ले ली थी? देखा, ले ली थी। तुम भी खामा खा, ये कहीं नहीं जाने वाले। हाँ पता। चुप कर, रात के 2 बज रहे, जाओ जाकर सो जाओ। सुना भैया, रात के 2 बज रहे, चलो चलो सोते हैं, आ जाओ, चलो आओ। वैसे भैया ये तो अच्छा हुआ आपने सपना रात को देखा, कहीं सुबह 4-5 बजे देखते ना तो बाबूजी तो निकल लेते। पता है आपको, लोग कहते हैं सुबह के सपने सच हो जाते हैं, बाबूजी तो बाल बाल बच गए आज। चलो हम सोने चलते हैं, चलो। ये बड़ो तो पागल है। फोन अवश्य करेगा, परंतु रामदीन पूरे दिन में उसे केवल एक ही बार फोन कर पाया। गुस्से से भरी पत्नी सीता देवी ने रात को खाने में जहर मिलाया और उसकी जान। 3 बार का वादा करके सिर्फ 1 बार फोन। मीडिया के पूछे जाने पर पत्नी सीता देवी ने बयान दिया कि अब अबला नारी इन मर्दों का शोषण और बर्दाश्त नहीं करेगी। हम औरतें कब तक घुट घुट कर इन मर्दों की ज्यादती सहती रहेंगी। कल्लू बलात्कारी का इलाहाबाद में आतंक, 25 से अधिक बलात्कार कर चुका कल्लू बलात्कारी, आज तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। गेहूं रंग का छोटे कद का ये शातिर बलात्कारी दिन दहाड़े औरतों की इज्जत लूटता है और रात को उनकी जान ले लेता है। DCPM कयामुद्दीन ने उसे पकड़ कर लाने वाले को 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। पूरे इलाहाबाद में दहशत का माहौल है। सुरक्षा की दृष्टि से सभी माताएं और बहनें दिन में भी अपने दरवाजे बंद रखें। कल्लू बलात्कारी आपके आसपास। अगर देश की समस्याओं पे गौर फरमा लिया हो प्रधानमंत्री जी, तो बाजार जाके 20 रुपए की दाल ले आइए। बस बाऊजी, शेयर मार्केट का भाव और पड़ ले, बस फिर जाते। टाटा उठा बाटा गिरा। शेयर मार्केट का भाव और पड़ ले, चलो यहां से। जा रहे बाऊजी, जा रहे जी बाऊजी, जा रहे। भैया तुमने सच में सपना देखा था कि बाऊजी शुगर की वजह से निकल लिए? अरे दत्त, ऐसे थोड़ी ना होता है। वो देख बाहर कैसे हट्टे कट्टे सांड की तरह घूम रहे। देख सांड। अरे बेवकूफ, ये जो भगवान है ना, सिर्फ अच्छे लोगों को अपने पास बुलाता है, ये कहीं नहीं जाने वाले। वैसे जब बाऊजी जाएंगे ना, तो इनकी अम्मा और बड़े भाऊजी जैसी ये छोटी फोटो नहीं लगवाएंगे इनकी ना, ये नहीं नहीं, ये बड़ी वाली फोटो लगवाएंगे डिजिटल। तुझे पता है रवि ने ना मीरपुर में नई फोटो की दुकान खोली है, कह रहा था 50% डिस्काउंट भी देगा। खास दोस्त है मेरा। बस
बस एक बार बाबूजी जाए तो सही। देख देख तेरे दादाजी श्री चुन्नी लाल पांडे, अरे उन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। किससे लोहा लिया? अंग्रेजों से। बाबूजी बाबूजी जीवन में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। अरे अपने बड़े भाई से कुछ सीख, कितना सम्मान करता है वो मेरा और दादाजी का। सुबह शाम दो दो बार नमन करता है। नमन तो मैं भी करता हूं। तो दिल से क्या करता है? जीते रहो। देख तू मेरे जैसा और तेरे दादाजी जैसा तो बनने से रहा। तुझे अपने जीवन में एक लक्ष्य रखना होगा, तुझे अपने भाई जैसा बनना होगा। अच्छा बाबूजी प्रणाम। अच्छा हम चलते हैं। खुश रहो। तू यही खड़ा है अभी? तुझे दाल लाने के लिए कहा था ना, जा मेरे पर्स में से 20 रुपए निकाल और दाल लेके आ। जा रहा हूं। और सुन 20 रुपए ही निकालना। ठीक है। बाबूजी कहो तो शुगर की गोलियां भी ले आऊं? बाबूजी इसका कुछ नहीं हो सकता। ओ भाई साहब थोड़ा साथ लगाना। रंडे भाई तुम्हारे बस की नहीं है, भैया थोड़ा साथ लगाना। सब ऐसे क्यों कह रहे थे? सब कुछ कर नहीं सकते, ऐसे उनको क्यों बोलने की जरूरत है? ऐसा क्या क्यों रही क्यों हमको पहले तो सॉरी यार कि तुम्हारे रोके पे नहीं आ सका। अरे क्या करता, काम के चक्कर में अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ गया। खैर छोड़ो अपना सुनाओ, सब ठीक ठाक हो गया ना? और कैसी लगी दुल्हनिया? क्या हुआ खुश नहीं लग रहे? खुश हैं। क्या दिक्कत है हमें बताओ, तकलीफ क्या है हमें बताओ, क्या दिक्कत है? नहीं 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 रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, दोस्त है तुम्हारे। नहीं नहीं एक बार में नहीं रोना यार, इधर घूमो घूम के बताओ तकलीफ क्या तुमको, हमें बताओ। बाबू भाई रोना नहीं रोना नहीं, अरे रोना नहीं, मैं कहता हूँ मत रो यार, रोना नहीं मत रो, हम तुम्हारी किसी लड़की से शादी नहीं होने देंगे। वैसे भी इनके जाने के बाद तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में आई कौन? वो आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है तो मुझे पूछना था कि मुझे क्या करना है। अच्छा 5 मिनट बाद आना, अर्जेंट मीटिंग चल रही है,
अभी बुलाते हैं। दिक्कत क्या है? लड़की चरित्रहीन है, लोंडो का चक्कर है क्या? फेसबुक पे 1000 से ज्यादा फ्रेंड है उसके, कहीं एमएमएस तो नहीं बन गया उसका? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम में। अरे तुम में काहे की प्रॉब्लम है? शरीफ हो, सीधे साधे हो, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ना कोई फ्रेंड ना कोई गर्लफ्रेंड। अरे हम तो कहते हैं आज के जमाने में कोई लड़की दिया लेके ढूंढे ना, तो तुम जैसा लड़का नहीं मिलेगा उसको। आजकल के लोंडो को देखो, 14-14 साल की उम्र में सारे कर्म कांड कर लेते हैं, उनमें से हम भी तो एक थे। अरे तुम्हारी तो हम गारंटी लेते हैं, आज तक किसी लड़की का चुम्मा तक तुमने नहीं लिया होगा। बात करते हैं यार, यही तो प्रॉब्लम है। ये भी कोई प्रॉब्लम हुई यार? अपना समझ के इतना बता ही दिए हो तो ये भी बता दो, टूटी में प्रॉब्लम है या पूरा पाइपलाइन ही खराब है? पता नहीं। अच्छा ये बताओ, लड़कियों को देख के कैसी फीलिंग आती है? क्योंकि तुम्हारे साथ लड़कियां तो होती होंगी स्कूल में, तो कैसी फीलिंग आती है? गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल, निराला चौक, इलाहाबाद 6। हाई स्कूल में तो लड़कियां होती होंगी, हाई स्कूल में? गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, निराला चौक, इलाहाबाद 6। फिर कॉलेज में भी कहां रही होंगी तुम्हारे साथ? गवर्नमेंट बॉयज आर्ट्स यूनिवर्सिटी, निराला चौक, इलाहाबाद 6। एक तो तुम 6 में बहुत पढ़े हो यार। हमने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई की है, पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ी है हमने। किताबें पढ़ी है तुमने? किताबें किताबें तो हमने इतनी सारी पढ़ रखी है जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ी होगी। आज तक ऐसी कोई किताब नहीं है जो हमने नहीं पढ़ी है। रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, चाणक्य की नीति, स्वामी विवेकानंद, राजा हरिश्चंद्र, गोदान, कबीरदास, महात्मा गांधी, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तुलसीदास, हम हो गए कामयाब, भारत की खोज। कामयाब कर देंगे तुमको। अभी बुक स्टोर पे जाओ और 4 पीली किताबें खरीद के ले आओ। कौन सी? 4 पीली किताबें। ये लो, खुले नहीं है। अरे भाई साहब, वो आपने जो भगत सिंह और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बुक्स मंगवाई थी ना, वो आ गई हैं, अभी देता हूँ। नहीं नहीं, वो अभी नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए। अरे भैया हिंदी की गाइड देना। ₹20। अरे भाई साहब मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगा। वो वाली चाहिए? ओ अभी देता हूँ। ये लो।
1000 रुपए। 1000 रुपए? इतनी महंगी? महंगी? वो दोनों किताबें भी दे दूं? नहीं 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 चाहिए। नमस्ते मामा जी, मम्मी ने आपके लिए लड्डू भेजे। नमस्ते भैया, प्रणाम। अरे भैया कौन सी किताबें ली है? अरे हमें भी तो दिखाओ भैया। अरे दिखा दो भैया, क्यों शर्म कर रहे? अरे दिखा दो भैया, अरे दिखा दो रो भैया, जिद कर रहा है। अपनी किताबें पढ़ी नहीं जाती है, ये पढ़ेगा, चल। अरे अरे भैया आप तो नाराज हो गए, सुनिए तो सही। अरे हम जा रहे हैं, हमें कुछ काम है, तुम जाओ। अरे भैया बात तो सुनिए, छोटे भाई के होते हुए आप पैदल जाएंगे, छोटा भाई स्कूटर पे और बड़ा भाई पैदल, ये भी कोई बात है? अरे कह रहे हैं ना, तुम जाओ। अरे भैया, अरे भैया, अरे सुनिए तो सही भैया आप। अरे अरे रुक कर, जिद बहुत कर रहे हैं, बेइज्जती करवा दी मेरी आपने। चुप कर बैठिए, अरे पीछे हटिए थोड़ा भैया। बिनो दरवाजा। ए भल्ले, जरा एक मिनट भल्ले तो लगाओ और मसाला बराबर से डालना भैया। और हम नीचे नहीं आ सकते, जरा ऊपर पकड़ा दो भैया। बहुत देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे मान नहीं रही है, निकल जाएगी। खोलो खोलो, तैयारी कर लेते हैं तब तक। भैया जल्दी हटो। रुकी रुकी थी जिंदगी, झट से चल पड़ी। ये आई ये, 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 ये। कौन है अंदर? ये आई ये, ये, ये आई ये, 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 ये। क्या कर रहा था अंदर?
हम महाभारत लिख रहे थे। ये बुढ़ऊ पागल हो गया, टट्टी में कोई क्या करता है। मसाला बराबर है ना आज? हाँ भैया। और सोड भी आजकल कम डाल रहा है तू, हाँ बढ़िया होना चाहिए आज। जी वाह, आज तो बढ़िया बना, मसाला भी कुछ स्पेशल डाला। चल पैसे कर लियो जा। ठीक है भैया। वाह, आज वाकई बढ़िया बना है, मसाला भी कुछ स्पेशल डाला है। ओहो, आज फिर टट्टी के हाथ धोना भूल गए। तभी कहूँ साले के मसालों में टेस्ट कहाँ से आ रहा है। हाथ धो लेते हैं। रमाकांत, 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 इधर आ। जी बाबूजी। क्या है ये? क्या है बाबूजी? ये क्या है? मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, क्या है ये? मैं पूछ रहा हूँ क्या है ये? अरे मुझे क्या पता क्या है ये? बाऊजी क्या हुआ? क्या हुआ? देखो ये पढ़ाई चल रही है, कैसी कैसी किताबें पढ़ी जा रही है। खुशियों की चाबी, चंपा मेरी भाभी, लटकता खंजर। भोली तू पहले क्यों नहीं बोली? जंगल में खो गया पा 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 पा। जी पप्पू, पप्पू तू क्यों नहीं खो गया पप्पू के साथ? नमस्ते भैया जी, नमस्ते। आइए आइए, आर्य भट्ट जी आइए। इस भगवान का यहाँ कैसे आना हुआ? अब बाबू जी एग्जाम सर पर है ना, हमें ट्यूशन जाना है। ओहो ट्यूशन जाना है, हमें सब पता है, कैसी कैसी किताबें पढ़ी जा रही है आजकल। बाबूजी ये भैया। हाँ भैया, इस भैया ने तो सर चढ़ा रखा है तुम दोनों को। देखो सीखो इस भैया से, 27 साल का हो गया है लेकिन आज तक कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मेरा सर नीचे हुआ हो। और तुम दोनों ने मेरी नाक कटा रखी है, और ये तो मेरी जान लेके रहेगा, मेरे को हार्ट अटैक दिला के रहेगा। बाबूजी बाबूजी शांत हो जाइए, बाबूजी शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और लाइए लाइए ये किताबें हमें दे दीजिए, हम रख देते हैं। मैं कहता हूँ किताबें जला दो। हाँ हाँ फूंक दो इन्हें। नहीं 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 बाबूजी जलानी नहीं है, अब इनको हम ध्यान से रख देंगे। बाबूजी आप समझने की कोशिश करिए, बहुत महंगी है। ऐसी किताबें महंगी होती होंगी। क्यों महंगी होती है ना, हैं? क्यों खरीदते हो ऐसी किताबें? क्यों खरीदते हो गंदी किताबें? अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकते? सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, भगत सिंह, अच्छी किताबें नहीं पढ़ सकते? 250 की एक किताब है, 4 किताबें 1000 रुपए की, पैसे का पेड़ भोगते हैं, पैसे का पेड़ भोगते हैं। बोल खबरदार, जो आज के बाद ऐसी किताबें खरीदी तो बाबूजी किताबें फूकनी नहीं है। बाबूजी ये दे नहीं रहे, हम विद्या का अपमान नहीं होने देंगे। विद्या है कहाँ, इतना चंपा और बोली है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी डंडा लेके आता हूँ। अरे भट्ट भैया कहाँ है? बाऊजी
जलानी नहीं है। बाऊजी आप चिंता मत कीजिए, किताबें तो मैं फूंक के रहूंगा। भैया जी अंदर से मिट्टी का तेल देना। बाऊजी वैसे ना मैं हमेशा माचिस अपनी जेब में रखता हूँ, अभी दिखाता हूँ। आर्यभट्ट जी बेटा इधर आओ। माचिस रखने लगे हो, सिगरेट पीना शुरू कर दी। तभी चंपा भाभी ने अंदर से कुंडी लगा ली। आज उसकी आंखों में वो प्यास थी जो सात समुद्रों का पानी भी नहीं बुझा सकता। तभी पलंग पे बैठा राजू घबरा के बोला, चंपा मेरी भाभी तूने कुंडी क्यों लगा दी। तभी चंपा भाभी ने अपनी साड़ी का पल्लू गिरा दिया। उसका अंग अंग पुकार पुकार के कह रहा था, आजा आजा। चला रहा हूँ, चला रहा हूँ बाबूजी, चला रहा हूँ, सारे चला रहा हूँ। जल्दी अब हम किसके पास मदद के लिए जाएंगे? पप्पी भाई भी 3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, अब कौन करेगा हमारी मदद? भगवान अब हमारी मदद के लिए आप ही कोई देवदूत भेजो। हेलो कौन? मामा जी प्रणाम। मामा जी हम मामा जी आग लगा रहे थे। नहीं नहीं मामा जी बाऊजी को नहीं। किससे? बाऊजी से? हाँ मामा जी एक मिनट अभी देते। बाऊजी बाऊजी मामा जी का फोन है। मामा जी देवदूत, थैंक यू भगवान, थैंक यू। अरे भट्ट भारत कब आजाद हुआ था और उसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वे कब कहां कैसे और किन हालातों में पैदा हुए? संक्षेप में लिखिए। (3089 + 50,234 - 7600 × 7 / 89) फाइंड वैल्यू। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन के योगदान का उल्लेख कीजिए। 10-10 वाक्य आवश्यक है। बाबर भारत कब आया था और इब्राहिम लोदी के बाबर से हारने के क्या क्या कारण थे? और बाबर के बाद जितने भी मुगल शासक भारत में आए उन सब की जीवनी का 20-20 वाक्य में वर्णन कीजिए। एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन महात्मा गांधी द अर्थ एंड An evening I will never forget. An evening I will never forget is compulsory. और एक चित्र बनाओ जिसमें दो हट्टी नालायक और बदतमीज लड़के
रात के 2 बजे तक पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते उनके प्राण निकल जाते हैं। नमस्कार अंकल जी, हम रमाकांत के बड़े भाई उमाकांत बोल रहे हैं जी। आर्यभट्ट आज घर पर नहीं आएंगे, आप भोजन की चिंता मत कीजिए, अगर सुबह तक जीवित रहे तो सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। और ये सब कुछ हमें अभी चाहिए। स्टार्ट नाउ, चाहे रात के 2 क्यों ना बच जाए। और एक आवश्यक सूचना, अगर रात को पढ़ते पढ़ते लाइट चली जाए तो मोमबत्ती खिड़की पे पड़ी है, और वैसे भी माचिस तो तुम्हारी जेब में रहती है ना। दिखा बे। हम की सेना नहीं है, सक्सेना है। SEX नहीं, SAX सक्सेना, समझा? चल जा। सातवीं विकेट गिर गई। लो, सातवां विकेट भी गिर गया। मैं कह रहा हूं जी, इनका कुछ नहीं हो सकता। अरे परसों भी तो ये मैच हारे हैं, हैं? अरे इनके तो पिछवाड़े पे 2-2 लगाने चाहिए। हाँ। मामी जी दिखाई नहीं दे रही हैं। वो क्या है ना, चिंटू का एक और छोटा भाई आने वाला है, इसलिए हॉस्पिटल गई है। 8वीं विकेट गिर गई। लो, गिर गई 8वीं विकेट। आगे इंडिया प्रॉब्लम में। खैर, तो उनकी प्रॉब्लम को छोड़ और ये बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे? नहीं नहीं मामा जी, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, वो तो यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपको प्रणाम करते चले। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। बेटा, 3 साल बाद तू हमारे घर पे आया, तो प्रॉब्लम तो गंभीर है ही। अब तू ये बता, प्रॉब्लम क्या है? मामा जी, वो आपसे एक सवाल पूछना था। पूछ पूछ पूछ। ये बताइए, शादी के बाद लड़की को क्या क्या चाहिए होता है? अच्छा, शादी के बाद लड़की को क्या क्या चाहिए होता है? बड़ा समझदार हो गया तू। हम बताते हैं कि शादी के बाद लड़की को क्या क्या चाहिए होता है। गांठ बांध लो। देख बेटा, शादी के बाद लड़की को 4 चीजें चाहिए होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान और प्यार, समझे? मामा जी, शादी के बाद रोटी, अच्छा, कपड़ा, हाँ, मकान, हाँ, सब कुछ, मतलब एकदम पूरा पूरा दे, पूरा पूरा। समझ गया। पर प्यार थोड़ा कम दे तो चलेगा? रोटी, कपड़ा, मकान कम दे तो चलेगा, पर प्यार तो पूरा चाहिए, सुबह और शाम चाहिए, दिन और रात चाहिए, समझे? और यू गोल गोल बातों को घुमाना बंद कर और सीधा सीधा ये बता कि प्रॉब्लम क्या है।
माँ माँ में दो माँ होती हैं, माँ माँ, समझे? ओवर रिएक्ट तो नहीं करेंगे? लो, कभी किए? मामा जी, क्या क्या क्या? कंफर्म है? पता नहीं। बेटा 202 वाली मिसेस दीक्षित को बुला के लेके आ। मिसेस दीक्षित, ये! अबे एक को भेजा था, सारे चले गए। अबे एक बात ये बताओ, इस बात का ढिंढोरा पूरे इलाहाबाद में पीट के आए हो या सिर्फ हमें बता रहे हो? नहीं नहीं मामा जी, हमने किसी को नहीं बताया, बस वो पप्पी भाई से सुझाव लिया था। पप्पी भाई? अरे वो रंडुआ क्या बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत? जो आदमी 15 सालों से खुद मैदान में नहीं उतरा, उसे क्या पता कि पिच में कहां कमी है और कहां नमी? हम बताएंगे तुम्हें। सचिन तेंदुलकर कहते हैं हम इस खेल का, समझे? देख रहे हो, 9 साल में 10, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। बात करता है मिस्टर सक्सेना, कैसे हैं आप? आपने मुझे क्यों बुलाया? मिस्टर सक्सेना, आपने मुझे क्यों बुलाया? वो क्या है ना, ये हमारे भांजे हैं। नमस्ते। इनकी ना बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, और वो ना वो क्या कहते हैं बे, एडवर्टाइजमेंट। हाँ, वो ना उसके लिए कोई मिस इंडिया टाइप की कोई लड़की ढूंढ रहे थे। हमने कहा हमारे पड़ोस में ही रहती है मिस इंडिया, तो पर मैं तो अब मिसेस हो चुकी हूँ। हमारी नजर में तो आज भी आप मिस ही हैं। देख ले देख ले देख ले भाई, सालो तुम देख लो पहले, हैं? हटो हटो हटो, पढ़ाई पे ध्यान दे ले, इधर देख रहे। वैसे आपकी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है? ब्रा और पैंटी। मिस्टर सक्सेना, मुझे ये आपसे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मैं जा रही हूँ। मिसेस दीक्षित, सुनिए तो सही, मिसेस दीक्षित। क्यों बे साले, क्यों बताया तूने? पर मामा जी, हमारी कंपनी तो ब्रा और पैंटी बनाती है ना। अबे तो बताएगा क्या, मेरी 8 साल की मेहनत पे पानी फेर दिया तूने। चल छोड़ उस बात को, ये बता मिसेस दीक्षित तुझे कैसी लगी? बेटा मिसेस दीक्षित जैसे लोगों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते, कैसी लगी? लेडीज जैसी लगी ना। बस अब हम जान गए, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, सिर्फ वोल्टेज कम है। तुझे स्टेबलाइजर की जरूरत है, स्टेबलाइजर। ये पकड़, स्टेबलाइजर। पर ये तो प्याज है। बेटा यही है स्टेबलाइजर, सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के डिनर में, सारी लेडीज इसी को क्यों डालती हैं? क्योंकि यही है सुखी और वैवाहिक जीवन का राज, प्याज। मामा जी, ये काम तो करेगा ना? बेटा पिछले 100 सालों से ये सारे घरों में काम कर रहा है, तुझ पे भी करेगा। सुखी और विवाहित जीवन का राज।
कागज और दिन में हो चंदा करूंगा तुझे इतना मैं प्यार। खटिया से तुझको उतरने न दूंगा मिला मुझको खुशियों का राज। प्याज 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 बीवी खुश है सुखी है परिवार। अगर जीवन में है तेरे प्याज बीवी खुश है सुखी है परिवार। अगर जीवन में है तेरे प्याज 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 प्याज। आलू टमाटर ना खीरा ना भिंडी ना कद्दू मैं मांगू यार। काजू बादाम छुआ रहे हैं छूटे मिला मुझको ताकत का राज। प्याज 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 यही दोस्त मेरा यही यार। अगर जीवन में है तेरे प्याज यही दोस्त मेरा यही यार। अगर जीवन में है तेरे प्याज 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 प्याज। हर बाजी ले लूंगा बना सिकंदर मैं आज। साथी जो तू होगा संग मेरे होगा जीतूंगा मैं बार बार। प्याज 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 यही धनुष यही तलवार। अगर जीवन में है तेरे प्याज यही धनुष यही तलवार। अगर जीवन में है तेरे प्याज 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 प्याज। इसको पहचाना है अब हमने जाना है जाना जिसे संसार। पावर इसकी तो नेता भी माना गिराते ये पूरी सरकार। प्याज 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 बीवी खुश है सुखी है परिवार। अगर जीवन में है तेरा प्याज 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 प्याज। अब रोज खाऊंगा मैं प्याज कल से महंगा होगा रे प्याज। बाबूजी भी खाएंगे प्याज हर सब्जी में होगा ये प्याज। तू भी ले 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 रे प्याज प्या 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 प्याज। हाँ भाई डरना है लड़कियों से नहीं। और लड़कियों को क्या नहीं पसंद होते? चूहे पसंद नहीं होते। और ये बता और लड़कियों को क्या पसंद होते हैं? चीते। हाँ चीते। शाबाश मेरे बच्चे। वह कल किधर जाएंगा? जुगाड़ के पास। अच्छा ले भाई मर्द बना दिया मर्द। हाँ।
नमस्ते जुगाड़ जी। जुगाड़ जी? गुब्बारे लाए हो? गुब्बारे? चोपड़ा जी ने बताया नहीं आज इसका जन्मदिन है, गुब्बारे लाने थे। नहीं 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 लाए गुब्बारे, क्या करने हैं? ऐसे ही ठीक है। हाँ, बिना गुब्बारे? हाँ, बिना गुब्बारे। और तुम ये मत समझना कि ये हमारा पहली बार है। इस मैदान में हम कई बार पहले भी उतर चुके हैं। और 60-70 शेरनियां तो हमने ऐसे ही ढेर कर दिए हैं। हाँ, तुम जानती नहीं हो मैं भी, लोग हमें इस खेल का चीता कहते हैं, चीता। बाबू, आवाज से तो कुत्ते जैसा लग रहा है। खच करके खच से खा जाते हैं। और तुम ये मत समझना कि हम किसी ऐसे वैसे खानदान से हैं। हमारे दादाजी श्री चुन्नीलाल पांडे टोटल कमीने, अंग्रेजों के जमाने के थे। भारत की गुलामी का बदला उन्होंने अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजनों से लिया था। और हमारे बाऊजी श्री कमलकांत पांडे एक नंबर के हरामी। जिस गली से गुजर जाते थे अगले दिन 10-15 औरतें थी। ऐसे खानदान का लहू बह रहा है इन रगों में। अब कपड़े तू उतारेगा या मैं? क्या? मैंने कहा कपड़े तू उतारेगा या मैं? चोपड़ा जी ने ये भी नहीं बताया था कि इस काम के लिए कपड़े भी उतारने पड़ते हैं। तुम क्यों उतारोगी? हमारे कपड़े हम खुद उतारेंगे, बचपन से उतारते आ रहे हैं, दिन में 3-3 बार उतारते हैं। हम अपने उतारेंगे, तुम अपने उतारो, सब अपने अपने उतारेंगे। हम अपने कपड़े खुद उतारते हैं। तुम्हें लग रहा है कि हम डर रहे हैं? तो हमारा पहली बार नहीं है। देखो उतार रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. कहाँ जा रही हो? डर गई? चलेगा साथ? नहीं, हम घर से करके आए। तेरा हो गया हो तो जिस काम के लिए तू आया वो करे। मेरा पैर,
पैर में लगी आपको? अरे रोई नहीं, शांत हो जाइए। पैर में कैसे लगी? ओ देखिए, रोई नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, रोई नहीं, रोई नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब आप इंस्पेक्टर चतुर्वेदी की गिरफ्त में हैं। जनाब, डीसीपी साहब को बोल दूं, कल्लू बलात्कारी पकड़ा गया। मैं पूछता हूं, इंस्पेक्टर कहां है? कहां है इंस्पेक्टर? ये क्या हालत बना रखी है मेरे बेटे की? कपड़े कहां हैं इसके? अबे तेरी मुर्गाबन, मुर्गाबन, बंद कर दो, मुर्गाबन। ऐसी हालत में मिला था ये, बिना कपड़ों के? मैं वर्दी उतरवा दूंगा उसकी, वो जानता नहीं है मुझे। ऐसे ही किसी शरीफ आदमी को थोड़े ही हाथ पकड़ के ला सकते हो। एमएलए को फोन मिलाओ। फोन मिला? बाऊजी, बाऊजी, आप शांत हो जाइए, बैठिए, बैठिए, आप बैठ के बात करते हैं। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ के बात करते हैं। हाँ, बैठिए बैठिए। आने दो इंस्पेक्टर को, बैठ के बात करते हैं। कौन नेता जो बिना माइक के शोर मचा रहा है? ये कल्लू बलात्कारी का बाप। कल्लू बलात्कारी? मेरा बेटा? नहीं, नहीं। जो बोलना है मुर्गा बने मैंने बोल। हेलो, रंगे हाथों पकड़ा इसको, इज्जत लूट रहा था। देखो इंस्पेक्टर, तुम जो कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं कर रहे हो। इसका जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। अरे हम खानदानी लोग हैं, जानते हो, जानते हो, मेरे बाबूजी एक महापुरुष थे। अरे उनको छोड़ो, इलाहाबाद में गली गली में मेरे नाम का डंका बजता है, और लोग मेरे नाम की कसमें खाते हैं। अरे बताया क्यों नहीं इसको कोई? हाँ, मैं भी कसम खाता हूँ इनकी। अरे उसको बोला नहीं अभी तक फोन करके, इसने वर्दी कैसे पहन रखी है? अरे वो फोन ही नहीं उठा रहा है। अरे मेरा ये बेटा साक्षात प्रभु राम का अवतार है इस कलयुग में, और शराफत, शराफत तो हमारे खून में बहती है। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। तुम घर जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी। चुप कर। सुन ले अपने बेटे की करतूत। ये मत समझना कि हम ऐसे वैसे खानदान से हैं। हमारे दादाजी श्री चुन्नी लाल पांडे जो टल कमीने अंग्रेजों के जमाने के थे, भारत की गुलामी का बदला उन्होंने अंग्रेजों से नहीं, अंग्रेजनों से लिया था। और हमारे बाऊजी, हमारे बाऊजी श्री कमलकांत पांडे एक नंबर के हरामी, जिस गली से गुजर जाते थे अगले दिन 10-15 औरतें मिलती थी। ऐसे खानदान का लहू बह रहा है इन रगों में। आगे भी सुनिए। आगे और कांड कर रखे तूने, बना इसको मुर्गा। नमस्ते मामा जी, मम्मी ने आपके लिए लड्डू भेजे हैं। लड्डू ठुल्ले, इधर आ, जल्दी जा, प्लेट में लड्डू डाल के ला। ठीक है ठीक है। चोरी कर रहा था। ओए मामा जी को रिश्वत दे, अभी छोड़ देंगे। भैया, बाबूजी, मामा जी, प-
5000 रुपए हैं। 5000 रुपए? हाँ है। वैसे तो ये मेरा सगा मामा है। पर एक नंबर का है, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करता। करिए बाबूजी, कुछ करिए। हाँ हाँ कर दो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मामा जी, मम्मी कह रही थी जाते हो ना बर्फी भी ले जाइयो। अरे बेटा, अरे लेके जाने को क्या गंद मचा रहे हो? चलो भाई चलो, यही खड़े रहोगे हैं? अरे कपड़े तो पहन ले। अरे भैया कपड़े लोगे ना तो 5000 और देने पड़ जाएंगे। अरे क्या बात, मचा रखी है, चलो यहाँ से। चुपचाप निकल लो। बाबूजी, आज हमने डिसीजन ले ही लिया है, जिसकी सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी। आइए बाबूजी, आइए बाबूजी, आइए ना बाबूजी, आइए। अरे कहाँ ले? अरे चलिए, कहाँ ले जा रहे? अरे आइए ना, आप ना हमारी बिल्कुल सुनते नहीं है। आइए बाबूजी, आज हमने डिसीजन ले ही लिया है, हम भगवान जी के, माता जी के और हमारे पूजनीय महान स्वर्गीय दादा श्री चुन्नी लाल पांडे जी के समक्ष आपके सर की कसम खाते हैं कि हम जीवन में दादाजी या आपकी तरह महान चाहे ना बन पाए, पर हम भैया जैसा अवश्य बनेंगे। पर हम भैया जैसा अवश्य बनेंगे, आपके सर की कसम। भैया हम बता रहे हैं, बुड्ढा पागल हो गया। पुलिस स्टेशन हो आए हैं? भैया आम कैसे दिए? 50 रुपए। 2 किलो तोल दो। कटवाली मामा की ना, अब कहाँ दिखाएगा मामा मुंह इलाहाबाद के अंदर? कहीं का छोड़ा तुमने मुझे? आज तक हमारे खानदान से कोई जेल नहीं गया। और मामा जी की तुम सुनते नहीं। लो, ये एडवाइस जरूर उस रंडुए की ही होगी, है ना? वही पप्पी भाई है तेरे खसम, हमारी तो कुछ सुनते नहीं तुम कभी। सुनी थी आपकी, खाए थे प्याज, 3 दिन तक कट्टी में बैठे हुए थे। अरे चिंटू, पिंटू, टिंकू, अरे रुको तो सही। क्या खाने को बोला था? पर मामा से ये पूछ लेता कि कितने खाने हैं। एक ही दिन में पूरी की पूरी बोरी खा गया। अरे देसी की सेहत के लिए अच्छा होता है, इसका मतलब ये नहीं पूरा डिब्बा एक ही दिन में पी जाएगा। सब चीज का एक नियम होता है।
समझोगे कुछ है नहीं, बच्चो मन में आएगा वही करोगे। बात करते हैं फालतू की, रुको। ये लो और जाके इनसे मिलो। डॉक्टर जीए दुआ, गुप्त रोग विशेषज्ञ। हाँ जी, अब इधर उधर मत भटको और जाके इनसे मिलो, समझे? मामा जी आप भी? किसी किसी दिन सचिन तेंदुलकर भी जीरो पे आउट हो जाता है। जरूरी थोड़ी ना कि वो हर मैच में परफॉर्म करे। खैर तुम ये सब बातें छोड़ो और इनसे जाके मिलो, यही करेंगे समस्या का समाधान। चलो। भगवान बचा लेना। खड़ा हो सकता है? बेटा हर बात पे खुद खड़े नहीं होते, बैठ जाओ। परेशानी क्या है? नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। यहाँ जो भी आता है ना, रोते हुए आता है, हंसते हुए जाता है, बैठे बैठे आता है, खड़े होकर जाता है। यार तू फिर खड़ा हो गया, बैठ जा। परेशानी बताओ, अरे हमसे कुछ मत छुपाओ, सब ठीक कर देंगे। कौन में बताऊंगा? किस में? कौन में? ओ मैं तो डर ही गया था, यहाँ वहाँ कहीं भी बताने की जरूरत नहीं है, हम डॉक्टर हैं, हम खुद देख लेंगे। आप जाके बेड पे लेट जाओ। लखनऊ से आए हो? नहीं। तो फिर सीधे लेटो ना। हे मामा ओ कल्लू मामा, या मामा ओ कल्लू मामा, या नमस्ते मामा जी, मैं आ गया। मामा जी, मम्मी ने आपके लिए लड्डू भेजे हैं, लड्डू। और ये कौन से हो गए हो? इन्हें कहीं देखा है? चेक करता हूँ, देख ही लेता हूँ। अरे अरे क्या कर रहे? अरे अरे रुको तो नहीं, अरे बहुत तेज दौड़ते, अरे रुक तो जाओ, अरे रुक तो जाओ, अरे मैं कर रहा हूँ। अरे 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 भैया, अरे भैया बैठिए तो सही, अरे बैठे तो सही भैया, बैठिए बैठिए आप भी ना। अरे अरे भैया आप ना मेरी बात सुनते नहीं हो आप, हैं? वैसे मामा जी ये कौन सी बीमारी की दवाई लेने आए हैं?
अरे ये तो हम हमें खांसी थी, खांसी की दवा लेने आए थे, आधे घंटे से इनसे कर रहे हैं, हमें खांसी है, दवा दे दो, पर ये सुनते नहीं है, हम जा रहे हैं। अरे भैया, भैया बात सुनिए, अरे रुक के तो सही भैया, मेरी बात तो सुनिए भैया, रुक के तो सही। वैसे भैया, मामा जी खांसी के डॉक्टर तो नहीं है, ये तो किसी और चीज के डॉक्टर है, क्यों मामा जी? अरे तो हमें क्या पता था, हमने तो बाहर डॉक्टर लिखा देखा और अंदर चले आए, और जब ये खांसी ठीक नहीं कर सकते तो इतना बड़ा हॉस्पिटल क्यों खोल के रखा है, बाहर डॉक्टर का इतना बड़ा बोर्ड क्यों लगाया हुआ है, हैं? ऐसे आदमी का तो लाइसेंस ही लेना चाहिए जो खांसी तक ठीक नहीं कर सकता। ये हॉस्पिटल बंद करा के रहूंगा, जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, जा रहे हैं अभी। भैया भैया भैया, अरे भैया भैया मेरी बात सुनिए भैया, एक कोई शांति रखिए भैया, एक मिनट। ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? बाऊजी की दवा लेने आए थे। बाऊजी की दवा यहाँ पर? लंगोट वाले पापा? अब यही करेंगे हमारी मदद। ये मंदिर के ऊपर पीपल के पेड़ के नीचे। रुको, लेट के जाओ। बोल बच्चा, क्या समस्या है? बाबा समझ गए बच्चा, समझ गए। बाबा के पास सभी समस्याओं का समाधान है। और जा बच्चा, जाकर शादी कर ले और अगले ही दिन अपनी धर्म पत्नी को 5 दिन के लिए बाबा के पास छोड़ जाना, और इसी कुटिया में सभी समस्याओं का समाधान होगा। सिर्फ 5 दिन में। अपनी धर्म पत्नी को आपके पास छोड़ जाएं। 5 दिनों के लिए। बाबा जी, हम उत्तर प्रदेश वाले सीधे साधे होते हैं, पर मूर्ख नहीं होते। कोई और उपाय है तो बताइए, नहीं तो मैं चला। बैठ बच्चा, बैठ। हम लंगोट वाले बाबा जी हैं, हमारे पास और भी समाधान है, पर कठिन है डगर पनघट की। पर अगले 3 दिनों तक जो बाबा ने कहा वो करना पड़ेगा, और अगले 100 सालों तक टन टना टन 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 डारा। ए बच्चा, 500 वाले पुराने नोट बंद हो चुके हैं। है?
यार हम लड़कों की ना कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। मैं तो कहता हूं अगले जन्म में ना हम लड़की होंगे, फिर पता क्या होगा, 24-24 घंटे लड़के हमारे घर के बाहर ना आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। और फिर देखियो तुम मेरे घर के बाहर 15-20 लड़कियां हमेशा। कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा मेरा चांद का टुकड़ा? और मैं आया ही नहीं करूंगी। और तुझे पता मैं ना बहुत सारे नखरे करा करूंगी। हाय मैं हेडेच हो रहा है। हाय मेरे स्टमच में बहुत पेन है। उफ मेरी यहाँ बहुत दर्द है। अच्छा और मैं तो ना बिना बात के रो दिया करूंगी। और पता है मैं चलूंगी कैसे? कैसे? 1, 2, 3, 4। अबे ये क्या लटक रहा है? कहाँ? अबे तेरे घर पे। अरे ये तो कोई चोर है। चोर क्या हाल बना रखा है आपके लड़के ने? ये तो बाबा बन के घूम रहा है। कैसे? बढ़िया है बाबा बनने वाले। पांडे जी क्या नमूना। छोड़िए मेरी मानिए तो इसको किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखा लो। अरे पांडे जी आपके लौंडे ने ना सारी नींद खराब कर दी, पूरे मोहल्ले को जगा दिया इसने, पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं। अरे पांडे जी कल तो आप अपने लड़के की शादी के कार्ड बांट रहे थे और आज आपका बेटा बाबा बना घूम रहा, आखिर ये माजरा क्या है? हमारे तो समझ से बाहर है। ए, ये क्या ड्रामा लगा रखा है लोगों ने? भैया पांडे जी को तो कहीं का नहीं छोड़ा इसने, पूरी नाक कटा के रख दी। देखो देखो देखो, 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 देखो,
भगवान ने ऐसी औलाद किसी को ना दे। बताऊंगा तुझे, मैं तेरे को मार दूंगा। तू नीचे चल, देख। तुम सुन तो लो, अरे एक बार मिल तो लो। मिलने में क्या बुराई है? मामा जी अब कुछ नहीं, बहुत हो गया। हम किस किस को जाके बताते रहेंगे कि हम शादी के लायक हैं ही नहीं। कभी बाबा, कभी पुलिस स्टेशन, कभी कुछ, कभी कहीं। हमारी इन हरकतों की वजह से बाऊजी का सर कितना नीचे झुका दिया है हमने जानते हैं। विश्वास उठ गया है उनका हम पे से। कितने दिन हो गए हैं हमसे बात तक नहीं की उन्होंने। टूट गए हैं, टूट गए हैं मामा जी। और समझ भी गए हैं कि कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं। मामा जी हमने सब कुछ करके देख लिया, पर अब हमने निर्णय लिया है कि हम शादी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे हम शादी। मुझे पता था तुम यही होगे। तुम्हारी मां जब निराश होती थी या उसे जीवन में संघर्ष के लिए शक्ति की आवश्यकता होती थी तो वह अक्सर यहां आया करती थी, और तुम हमेशा उसके साथ। बाऊजी बाऊजी हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सब सुन लिया है। दुखी हो शर्मिंदा है, शर्मिंदा है बाऊजी। पिछले कुछ दिनों में हमने जो कुछ भी किया है उन सब की वजह से हमने आपका सर समाज में शर्म से झुका दिया है। पुत्र तो पिता का आईना होता है ना, पर हमने हमने वो आईना ही तोड़ दिया। पर बाबूजी हमने ये सब ये साबित करने के लिए नहीं किया कि हम संपूर्ण हैं या नहीं। हम तो बस किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक लड़की जो अपने माता पिता जिन्होंने उसे जन्म दिया है उन्हें छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर दूसरे घर में आती है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं, कई उम्मीदें होती हैं, और एक विश्वास के साथ वो उस नए घर में आती अर्धांगिनी बनकर। तो कैसे बहू जी, कैसे हम वो विश्वास तोड़ सकते हैं? ऐसे संस्कार तो नहीं दिए ना आपने हमें। हार गए,
हम हार गए हैं बाबूजी, हार गए हैं। नहीं, अरे तुम नहीं हो, हारे है बाबूजी। ये तुम्हारे बाबूजी, तुम्हारे बाबूजी ही क्यों? हिंदुस्तान की सारी माताएं, सारे बाबूजी हार गए। बचपन से लेकर बड़े होने तक हर बात बेटा ऐसा नहीं करना। शाबाश, वेरी गुड, ऐसे ही जीतना होगा। नहीं नहीं, चोट लग जाएगी। अपने जीवन का सारा ज्ञान, सारा एक्सपीरियंस हम अपने बच्चों से बांटते हैं, पर हम इतने रूढ़िवादी हैं, इतनी संकुचित सोच है हमारी, कि हम सेक्स के विषय पर बिल्कुल बात करना ही नहीं चाहते। नतीजा हमारे बच्चे भ्रमित हो जाते, गलत रास्तों पे चले जाते, कोई उन्हें गलत राह दिखा देता है, उनका सारा जीवन बर्बाद हो जाता है। पर नहीं, फिर भी हम उनसे सेक्स के विषय में बात करेंगे ही नहीं। हाँ, पर बेटा मैं तुम्हारे बाबूजी इस बात को समझ चुके हैं, पर काश एक वो दिन आए जब हिंदुस्तान के सारे माता पिता इस बात को समझ सके, तो हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत होगा ही नहीं। बेटा मुझे विश्वास है कि तुम संपूर्ण हो, जीवन में कभी भी कोई समस्या आई, ये बाबूजी तुम्हारे साथ है। चलो शादी की तैयारी करो।
खिलाड़ी नाचेंगे सारी रात, है पुराने खिलाड़ी नाचेंगे सारी रात, आज डीजे बजेगा यहाँ सारी सारी रात। शादी है नाचो सारे यार, अपने भैया की 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 शादी है नाचो सारे यार। सब ठीक है ना? कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये मेरी फ्रेंड है, नमस। यार सुनना, मुझे तुझे एक बात बतानी है। रुकिए रुकिए रुकिए, हम एक मिनट इनसे बात कर सकते हैं? एक मिनट। सुनिए, देखिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल के बाद ठीक हुआ है, पर जैसा आप सोच रही है ना, हम और पप्पी भाई वैसे बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी सब हम आपको बाद में बता सकते हैं, बस अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। हाय भाई दिलावर, 2-3 दिन हमसे दूर रहे, हमारा घर बस जाएगा। अरे दिलावर, चल चल चल। अगर आप कहेंगे तो ठीक है। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। वो सर आपसे ना बात करनी थी। हमारी किताब पूरी हो गई है, ये है उसकी कॉपी। अरे गरम हवाई। हाँ सर, गरम हवाई, यही है हमारी किताब का नाम। ये सर एक कॉपी ना सर आप भी रखिए, सर पढ़िएगा जरूर, बहुत शानदार, बहुत मजा आएगा। जरूर जरूर पढ़ेंगे, वैसे नाम अच्छा है। हाँ सर, हम चलते हैं। कर ली भिखारियों के शादी, जोड़ लिया रिश्ता, देख रहा है आलू गोभी में गोभी कम है और मटर पनीर में तो पनीर है ही नहीं, और देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, क्या देख रहा है? जीजा को 501 डाले हैं, कम से कम 21 से तो बनते हैं। मैं कह रहा था तुझे, लाला की बेटी से शादी कराता था, तेरे को 1,00,000 रुपए दहेज में मिलता। मैं कह रहा हूँ ये शादी नहीं होगी, ये रिश्ता टूट के रहेगा। अरे चंदू, बुला लड़की के बाप को, कहाँ है वो भिखारियों का सरदार? मैं भी देखता हूँ कैसे होगी शादी ये। जैसा आप कहेंगे जीजा जी, वैसा ही होगा, नहीं होगी ये शादी। पर हमें बहुत दिन से एक बात पूछनी थी आपसे। क्या पूछनी है? वो जो हम वहाँ पे टकराए थे। कहाँ पर? वो डॉक्टर के यहाँ। हम अंदर से आ रहे थे, आप बाहर से जा रहे थे, वहाँ पे आप क्या कर रहे थे? अरे मैं कहता हूँ ये हलवाई कहाँ पर है जो आलू गोभी में गोभी कम डाल रहा है और लड़की वाले खाम खा बदनाम हो रहे हैं। मैं देखता हूँ इस हलवाई को। हाँ
आपकी ड्रेस ना बहुत अच्छी लग रही है, आपकी ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही है, एकदम येलो येलो। वैसे हम इधर पास में ही रहते हैं, 1187/474 मीरापुर, ये अपना बड़ा वाला चौराहा है ना, उसके आगे जो सब्जी मंडी आती है, हाँ वहीं पे है हमारा घर। 999-56420। क्या हमारा नंबर आपको चाहिए होगा ना? 999-56420। हाँ सुनो, वो वहाँ पे हम जब गए थे वो पता क्या चलो, हम अभी आते हैं, हम अभी आते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और हम फेसबुक पे भी हैं, ऐसे करके खड़े हैं, आपको ना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप एक्सेप्ट जरूर करना, ठीक है? ऐसा करना। अरे मैं कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो, वो जो कर दे। बोल रहे हैं बहुत में समझ नहीं आता तुम्हें, छोड़ो। आपने खाना खाया? हाँ। अच्छा, और कॉफी? कॉफी नहीं पियोगी आपने? कॉफी तो हमारी फेवरेट है। अच्छा, कॉफी तो हमारी भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। आइए। आपको पता है बचपन में बच्चा दूध पी पी के बड़ा होता है, पर हमने तो दूध कभी पिया ही नहीं, हम तो कॉफी पी पी के बड़े हुए हैं। अरे भैया, एक पूरा। सर स्माइल कीजिए ना, स्माइल सर। सर आप समझे नहीं, स्माइल। अब तेरा बाप का नौकर लगाऊंगा? जब देखो स्माइल कर रहा, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, लड़की वालों की तरफ से आया, लड़के वालों की तरफ से, चल हट। सर खींच रहा हूँ, पता नहीं। सर बहुत अच्छी है ये फोटो, सुपर्ब सर, एक्सीलेंट। अब तुझे मैं पहले ही कह रहा था, मेरी जैसी स्माइल पूरी बारात में किसी की नहीं है, देख लिया ना? स्माइल बेटा, सामने देखो। एक्सक्यूज मी मैडम, आप जरा यहाँ आके खड़े हो जाएंगे? नहीं, ओके। अरे आपकी अपनी है, थोड़ा तो पास आ जाओ। कंधे पे हाथ रख लीजिए। सर ठीक से रख दिया, जल्दी खींचो, हाथ दर्द हो रहा है। जीत चाहे बड़ी हो या छोटी, पर खुशी तो होती है ना। नमस्कार। ठुमक ठुमक के यार, सजी धजी है पहने सारे बाबू बन गए यार, सजी धजी है पहने सारे बाबू बन गए यार। अपने भैया की शादी है नाचो सारे यार, अपने भैया की शादी है नाचो सारे यार। कोई बावरी है बहने और मैटर सारे यार, कोई बावरी है बहने और
बचे बचेगा यह सारी सारी रात। ठुमक ठुमक के ठुमक ठुमक के ठुमक ठुमक के यार ठुमक ठुमक के ठुमक ठुमक के ठुमक ठुमक